ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस इस छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान मेरा। जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी पॉइंट हेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आपको हर रोज़ दो या तीन वीडियो गणित मैथमेटिक्स की आपको देंगे, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपसे अनुरोध है कि इन वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को ही मिलेगी। इसलिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 से, और कक्षा 10 में हम जो बच्चे बहुत सारी दुखी होते हैं कि आपका जो है त्रिकोणमिति में उनके सूत्र ही याद नहीं होते, तो उन सूत्रों को याद करने के लिए आपको एक बहुत बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना। इसमें आपको एक हेक्सागन याद करना, इसे बोलते हैं हेक्सागन। ये आपको हेक्सागन आपको इस तरह का बनाना है, और उसके बाद आपको पता है कि आपके पास हाँ साइन थीटा इधर, कॉस थीटा इधर, साइन थीटा और इधर क्या होता है टैन थीटा लिखो, और इधर लिखो कॉट थीटा, और इधर आपका साइन थीटा और कोसाइन थीटा, इतना कोसाइन थीटा। आपको करना क्या है, इसका विकर्ण इससे मिला दीजिए, कोसाइन का विकर्ण साइन से मिला दीजिए, और टैन थीटा का विकर्ण आप जो है कॉट थीटा से मिला दीजिए, और इसके बीच में लिख दीजिए एक। अब देखो ये आपका जो हेक्सागन है आपको किस प्रकार से जितने भी आपके त्रिकोणमिति के सारे जितने भी सूत्र आपके यूज होंगे आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको सारे के सारे इसके माध्यम से मिल जाएंगे। देखो इसमें आपको करना क्या है, एक तो आप तीन यहाँ पे बनाओ, एक तीन यहाँ पे बनाओ, और एक तीन यहाँ पे बना दीजिए। अब देखो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वो बराबर किसके होता है, एक। ठीक है, ये चित्र बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि ये चित्र बनाने में आपको परीक्षा में एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा मतलब, और आपकी त्रिकोणमिति कम से कम आपकी 15 से 18-20 नंबर की आती है कक्षा 10 में, और एक मिनट भी आपको ऐसे बनाने में नहीं लगेगा, लेकिन आपको सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से तैयार मिल जाएंगे। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा, मैं इधर फॉर्मूले लिख रहा हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जहाँ से आपका तिल शुरू हो रहा वहाँ से शुरू करना साइन स्क्वायर थीटा, और जिधर तिल जा रहा उधर लिखो कोस स्क्वायर थीटा, और जहाँ तिल खत्म होगा वो चीज आपको बराबर लिखनी, यानी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला। दूसरा टैन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर sec स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर sec स्क्वायर थीटा, एक तीसरा फॉर्मूला यहाँ से मिल जाए, जैसे कि कहाँ से शुरू हो रहा है एक से, और एक प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ खत्म हो रहा है cosec स्क्वायर थीटा। ये देखने में तो आपको तीन फॉर्मूले लग रहे हैं, लेकिन आप यहाँ से कितने भी फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमें पूछा किसी ने साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, एक है बराबर में ये कोस स्क्वायर थीटा जब बन जाएगा तो आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, एक को उधर भेज दें आपका प्लस का है बदल जाएगा माइनस, ऐसे ही हम यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले टाइप के आपको फॉर्मूले मिले, दूसरे टाइप के फॉर्मूले देखते हैं कैसे निकलते हैं। यहाँ से हर एक फॉर्मूला आपको यहीं से निकलेगा। जैसे आपको पूछेगा कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है सीधे और कोसाइन थीटा। जैसे आपका हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा एक बटा किसके उल्टा, कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। नंबर एक कोस स्क्वायर थीटा किसका उल्टा, सेक थीटा, कोस थीटा किसका उल्टा, एक बटा सेक थीटा, और टेन थीटा, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा बराबर होगा 1 - कोट थीटा। यहाँ से भी आपको 6 फॉर्मूले मिल गए, जैसे साइन थीटा का उल्टा पूछेंगे तो 1 - कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा पूछेंगे तो कोसेक को आप इधर भेज दो, साइन को इधर भेज दो, आपका उधर कोसेक थीटा बराबर 1 - साइन। चलो अभी और भी फॉर्मूले यहीं से निकालते हैं,
जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा का, जैसे आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका बराबर किसके होगा? बिल्कुल सामने वाले के। जैसे साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो उसके बराबर क्या होगा आपका? कोस थीटा, बिल्कुल सामने, 90 माइनस थीटा बिल्कुल सीधा चल रहा। जैसे टेन टेन 90 माइनस थीटा बराबर होगा आपका कितना? कोस थीटा, यानी जो आपका 90 माइनस थीटा है वो बदल गया कोस थीटा, जो आपका टेन 90 माइनस थीटा वो बदल गया आपका कोस थीटा, और sec थीटा आपको बदलता है कोस थीटा। देख लीजिए सेक थीटा 90 माइनस थीटा यानी sec 90 माइनस थीटा बदलता है ना cos sec थीटा, cos sec थीटा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फॉर्मूले हमने सबसे पहले निकाल दिए, और भी जितने भी आपके फॉर्मूले हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि सारे के सारे इसमें आपको छिपे हुए मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला है, सबसे पहले वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका टेन थीटा, टेन थीटा के आपके दो मान होते हैं, जैसे टेन थीटा का मान आपका इधर एक बटे फोर थीटा भी है, लेकिन टेन थीटा का मान एक और भी आपको याद रखना क्या है, अगर टेन थीटा का मान आपको पूछना तो आप ये ऐसे टी की तरफ चलेंगे। वैसे आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, एक फॉर्मूला। अच्छा, और इधर कोट की फॉर्मूला कोट का फॉर्मूला यू जाओ, तो जैसे आपको कोट का मान बताना तो फिर आपको ये तीर इधर चलना, जैसे आपका कोट थीटा बराबर किसके होगा? कोस थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और आपको ये भी पता है कि जो आपका टेन थीटा है वो टेन थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है। लेकिन अब ऐसे अगर आपके पास एक आपका सूत्र आपके याद है तो दूसरा अपना आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे टेन थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो उसका उल्टा कर दो, तो उसका उल्टा कर दो, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा साइन को नीचे भेज दो, कोस को ऊपर भेज दो, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपके कक्षा 12 में यूज होंगे, लेकिन उन्हें आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास 10th में है, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूले आपके चैप्टर में जो है काम करेंगे, और इन फॉर्मूलों को आप आज बहुत अच्छे तरीके से कंप्रेस्ट कर लेना, याद कर लेना, उसके बाद जो है हम कल आपको आठ पॉइंट एक से शुरुआत करके जो है आपके अगले जो है क्वेश्चनों को बारी बारी से करते रहेंगे। हम इस अपनी वीडियो में सभी क्वेश्चन हल नहीं कराएंगे, हम उसमें से जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में है, हर हाल में यही क्वेश्चन आपके जो हर बार आते हैं उन्हें कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लगते हुए आपके, क्योंकि वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने में और हमें भी उसे अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप जो है इन सारे फॉर्मूलों को याद करो, और कल इन्हें कैसे यूज आपके अगले क्वेश्चनों में हम इन्हें करेंगे, तो आप जो है इन्हें याद करके, और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ठीक, आज से हम आपको हर रोज़ 2 या 3 वीडियो गणित मैथमेटिक्स की आपको देंगे, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपसे अनुरोध है कि इन वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को ही मिलेगी, इसलिए आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 से, और कक्षा 10 में हम जो बच्चे बहुत सारी दुखी होते हैं कि आपका जो है त्रिकोणमिति में उनके सूत्र ही याद नहीं होते, तो उन सूत्रों को याद करने के लिए आपको एक बहुत बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना। इसमें आपको एक हेक्सागन याद करना, इसे बोलते हैं हेक्सागन, ये आपको हेक्सागन आपको इस तरह का मना है, और उसके बाद आपको पता है कि आपके पास हाँ साइन थीटा इधर, कोस थीटा इधर, साइन थीटा और इधर क्या होता है टेन थीटा लिखो, और इधर लिखो कोट थीटा, और इधर आपका सेक थीटा,
और कोसेक थीटा, कितना कोसेक थीटा। आपको करना क्या है, इसका विकर्ण इससे मिला दीजिए, कोसेक का विकर्ण साइक से मिला दीजिए और टेन थीटा का विकर्ण आप जो है और थीटा से मिला दीजिए और इसके बीच में लिख दीजिए एक। अब देखो ये आपका जो हेक्सागोनल है आपको किस प्रकार से, जितने भी आपके त्रिकोणमिति के सारे जितने भी सूत्र आपके यूज होंगे आपके किसी भी क्वेश्चन में आपको सारे के सारे इसके माध्यम से मिल जाएंगे। देखो इसमें आपको करना क्या है, एक तो आप तीन यहाँ पर बनाओ, एक तीन यहाँ पर बनाओ और एक तीन आपने बना दीजिए। अब देखो सबसे पहला आपने पढ़ा होगा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वो बराबर किसके होता है, एक के। ठीक है, ये चित्र बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना है कि ये चित्र बनाने में आपको परीक्षा में एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा मतलब, और आपकी त्रिकोणमिति कम से कम आपकी 15 से 18 20 नंबर की आती है कक्षा 10 में, और एक मिनट भी आपको ऐसे बनाने को नहीं लगेगा, लेकिन आपको सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ से तैयार मिल जाएंगे। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा, मैं इधर फॉर्मूले लिख रहा हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जहाँ से आपका तीर शुरू हो रहा वहाँ से शुरू करना साइन स्क्वायर थीटा, और जिधर तीर जा रहा उधर भी वो कोस स्क्वायर थीटा, और जहाँ तीर खत्म होगा वो चीज आपको बराबर लिखनी है, यानी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। एक फॉर्मूला दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा, लिख दीजिए टैन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक तीसरा फॉर्मूला यहाँ से मिले, जैसे कि कहाँ से शुरू हो रहा है एक से, तो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ खत्म हो रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखने में तो आपको तीन फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन आप यहाँ से कितने भी फॉर्मूले का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हमें पूछा किसी ने साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा एक है बराबर में, ये कोस स्क्वायर थीटा जब बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं, एक को उधर भेज दें आपका प्लस का है माइनस, ऐसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले टाइप के आपको फॉर्मूले मिले, दूसरे टाइप के फॉर्मूले देखते हैं कैसे निकलते हैं। यहाँ से हर एक फॉर्मूला आपको यहीं से निकलेगा। जैसे आपको पूछेगा कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है सीधे और कोसेक थीटा। जैसे आपका हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा एक बटा किसके उल्टा कोसेक थीटा। नंबर एक कोस स्क्वायर थीटा किसका उल्टा सेक थीटा, कोस थीटा किसका उल्टा एक बटा सेक थीटा, और टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा बराबर होगा वन बटे कोट थीटा। यहाँ से भी आपको छह फॉर्मूले मिल गए, जैसे साइन थीटा का उल्टा पूछेंगे तो एक बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा पूछेंगे तो कोसेक को आप इधर भेज दो साइन को इधर भेज दो आपको कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन। चलो अभी और भी फॉर्मूले यहीं से निकालते हैं। जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है नब्बे माइनस थीटा का, जैसे आपका साइन नब्बे माइनस थीटा तो आपका बराबर किसके होगा बिल्कुल सामने वाले के। जैसे साइन स्क्वायर साइन नब्बे माइनस थीटा लिखोगे तो उसके बराबर क्या होगा आपका कोस थीटा, बिल्कुल सामने नब्बे माइनस थीटा बिल्कुल सीधा चलो। जैसे टेन टेन नब्बे माइनस थीटा बराबर होगा आपका कितना कोस थीटा, यानी जो आपका नब्बे माइनस थीटा है वो बदल गया कोस थीटा, जो आपका टेन नब्बे माइनस थीटा वो बदल गया आपका कोस थीटा में, और सेक थीटा आपको बदलता है कोस थीटा में। लिख दीजिए सेक थीटा नब्बे माइनस थीटा यानी सेक नब्बे माइनस थीटा बदलता क्या है कोस सेक थीटा, कोस सेक थीटा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फॉर्मूले हमने सबसे पहले निकाल दिए, और भी जितने भी आपके फॉर्मूले हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि सारे के सारे इसमें आपको छिपे हुए मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा फॉर्मूला है सबसे पहले वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका टेन थीटा, टेन थीटा के आपके दो मान होते हैं, जैसे टेन थीटा का मान आपका इधर एक बटे फोर थीटा भी है, लेकिन टेन थीटा का मान एक और भी आपको याद रखना क्या है, अगर टेन थीटा का मान आपको पूछना तो आप ये ऐसे तीर की तरफ चलेंगे, वैसे आपका टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जैसे
टेन का बराबर होता है टेन का बटे फोर का एक हो गया। अच्छा और इधर फोर्टी के बाद फोर्टी का बदला जो जाओगे तो जैसे आपको पोर्ट का मान बताना और फिर आपको ये तीर इधर चलना, जैसे आपका पोर्ट थीटा बराबर किसके होगा फोर थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और आपको ये भी पता है कि जो आपका टेन थीटा है वो टेन थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। लेकिन अब ऐसे अगर आपके पास एक आपका सूत्र आपके याद है तो दूसरा अपना आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा, जैसे टेन थीटा बराबर क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो उसका उल्टा कर दो, तो उसका उल्टा कर दो और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा साइन को नीचे भेज दो कोस को ऊपर भेज दो, तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है अच्छा, अब और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपके कक्षा 12वीं में आओगे, लेकिन उन्हें आपको पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास टेंथ में है, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूले आपके चैप्टर में जो है काम करेंगे, और इन फॉर्मूलों को आप आज बहुत अच्छे तरीके से कंटेस्ट कर लेना, याद कर लेना, उसके बाद जो है हम कल आपको 8.1 से शुरुआत करके जो है आपके अगले जो है क्वेश्चनों को बारी बारी से करते रहेंगे। हम इस अपनी वीडियो में सभी क्वेश्चन हल नहीं कराएंगे, हम उसमें से जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि में हर हाल में यही क्वेश्चन आपके जो हर बार आते हैं उन्हें कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लगते हुए आपके क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी देखने में और हमें भी उसे अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तो आप जो है इन सारे फॉर्मूलों को याद करो और कल इन्हें कैसे यूज आपके अगले क्वेश्चनों में हम इन्हें करेंगे, तो आप जो है इन्हें याद करके और कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ठीक खूब ठीक है दोस्तों, ठीक खूब।